सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। Anil, you have lost. Bad luck. तुम आखिरी बाजी भी हार गए। नहीं, मैं हारा नहीं हूं। मिस्टर सेठी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। रुपए चाहिए? अभी अभी तो रुपए दिए थे ना बड़ी? वो रुपए मैं जुए में हार चुका हूं, मुझे और पैसे चाहिए। अरे अरे, बहुत बुरी बात है कि तुम फिर जुए में हार गए। अब ये जगता नहीं, तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता साईं। क्या? क्यों? 70 लाख रुपए तुम्हें दे चुका हूं, अब और रुपया देने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही। सेठ, तुम ये बात मत भूलो कि मैंने अपनी वाइफ के तमाम प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम्हारे पास गिरवी रखे हैं। मालूम है, फ्रॉड करके उसका साइन लेके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा दी। और हमको ये भी मालूम है कि सारी प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए से ज्यादा हो ही नहीं सकती। 50 लाख की प्रॉपर्टी नहीं है, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो 1.5 करोड़ की? 1.5 करोड़ की हो या 2 करोड़ की, जगतानी को इस बात से कोई सरोकार नहीं। जगतानी को अगर सरोकार है तो उसके 70 लाख रुपए से मेरे रुपए दे दो और अपने कागजात वापस ले लो। ले जाऊंगा सेठ, प्रॉपर्टी के पेपर्स भी ले जाऊंगा। लेकिन याद रखना, 2 दिन के अंदर जगतानी को उसके रुपए वापस नहीं मिले तो फिर जगतानी का कोई फॉल्ट नहीं होगा। नहीं सेठ, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मेरी वाइफ को पता चल गया तो मुझे जान से मार डालेगी। तुमने आज फिर शराब पी है? हाँ पी है तो? अनिल, तुमने मुझे बर्बाद किया है, बर्बाद किया है तुमने मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। It's so nice to see you, Rajat. मुझे पता था तुम जरूर आओगे। क्या मैं जान सकता हूँ रश्मि कि तुमने आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रजत, हमारे इस मुलाकात के बारे में अनिल को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तुम तो जानते हो कि उसे हमारा मिलना अच्छा नहीं लगता। बात क्या है? रजत, अनिल आजकल किसी मुसीबत से घिरा हुआ लग रहा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। देर रात तक वो घर पे गायब रहता है, दारू के नशे में चूर रहता है। और कल रात तो नींद में वो कुछ बोल रहा था कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चक्कर क्या है। मैं जानता हूं रश्मि की क्या चक्कर है। एक्चुअली मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि तुम इसका कोई गलत मतलब ना निकाल लो। क्या मतलब? रश्मि, अनिल आजकल गोल्डन नाइट क्लब में अपनी रातें गुजारता है और मुझे पता चला है कि वहां बहुत तगड़ा जुआ चलता है। मेरा ख्याल है कि अनिल उसी जुए की लत में पड़ गया है। नहीं रजत, ये सिर्फ जुए की बात नहीं है, जरूर कोई सीरियस मामला है। और फिर अनिल मुझे तो कुछ नहीं बताएगा, लेकिन तुम पता लगा सकते हो। ठीक है, मैं खुद पता लगाऊंगा कि ये चक्कर क्या है। मिस्टर रजत कपूर, मिस्टर रजत कपूर। एग्जैक्टली। कहिए,
क्यों बुलाया मुझे? आपको बहुत नजदीक से देखने के लिए। अच्छा कहिए आप क्या लेंगी, ठंडा गर्म या बहुत ज्यादा गर्म? बहुत ज्यादा गर्म। ऑन द रॉक। आपका डांस वाकई बड़ा गजब का था। Really? Yes. ऐसे लग रहा था जैसे ये पूरा फ्लोर बिजली की तरह थिरक रहा हो। सच कहूं तो एक पैक में मुझे 10 पैक का नशा हो गया। अरे वाह। और वो क्लब का मालिक चक्तानी सेठ कहता है मुझमें वो जादू नहीं रहा, मुझमें वो बात ही नहीं रही। What nonsense? मेरे को तो लगता है कि किसी नई लड़की के चक्कर में है वो। अगर मैंने उसके लिए बकरा नहीं फंसाया होता ना तो कब का मुझे चलता कर देता। बकरा? वो है एक बेचारा मेरे हुस्न का आशिक, जुए में अपना सब कुछ हार गया, यहाँ तक कि अपनी बीबी के प्रॉपर्टी के कागजात से जो कर्ज लिया था ना उसे भी हार गया वो। What? यानी अनिल ने अपनी बीबी के प्रॉपर्टी के पेपर्स यहाँ रखवा दिए? बोलो इतनी रात गए तो मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आए हो? क्या बात है अनिल? जरा सोचो, अगर तुम्हारे और मोहिनी के रिलेशंस के बारे में रश्मि को पता चल गया तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? चाची, तो तुम मेरे खिलाफ मेरी वाइफ को भड़काना चाहते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मेरी बीवी तुम्हारे बातों पर यकीन कर लेगी? मेरी बातों पर तो नहीं, लेकिन हाँ मोहिनी की बातों पर जरूर यकीन करेगी। ऐसे तो तुम मोहिनी से भी मिल चुके हो? हाँ मिल चुका, और मोहिनी ने ही मुझे बताया है कि तुम जुए में एक बहुत भारी रकम हार चुके हो जिसकी वजह से तुमने रश्मि की प्रॉपर्टी के तमाम पेपर्स चक्तानी के पास गिरवी रखे हुए। ये सब बकवास है। मोहिनी ने मुझे यह भी बताया है अनिल के उस कर्जे को उतारने के लिए जगतानी ने तुम्हें सिर्फ 1 दिन की मोहलत दी है। अब 1 दिन में तुम इतना पैसा तो इकट्ठा कर नहीं सकते। वैसे भी आज नहीं तो कल रश्मि को इन बातों के बारे में पता चली जाएगा। अनिल बेहतर होगा अगर तुम ये सारी बातें रश्मि को खुद बता दो। हेलो हेलो हेलो, क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा नहीं हो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रश्मि मेरी वाइफ, आई विल टेक केयर ऑफ इट। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। नाउ यू गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से, चलो। जाते जाते मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। ये जो तुम इतनी भारी रकम जुए में हारे हो ना, ये अपनी किसी बदकिस्मती की वजह से नहीं बल्कि मोहिनी और जगतानी ने मिलकर तुम्हें बकरा बनाया है। Enough, please. क्राइम ब्रांच। हेलो इंस्पेक्टर, प्लीज प्लीज हेल्प मी। देखिए मुझे किसी ने चॉकलेट में जहर दे दिया है। कौन बोल रहा है और कहां से बोल रहे हैं आप? मैं मोहिनी बोल रही हूँ, कैबरे डांसर। नाइट नाइट। हेलो 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 हेलो, व्हाट हैपेंड सर? शायद किसी लड़की का फोन था, कह रही थी चॉकलेट में जहर डालकर कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ना मोहिनी बता रही थी डांसर है किसी नाइट क्लब में, लेकिन अपना ठिकाना बताने से पहले शायद वो कोलैप्स हो गई या फिर। लेकिन सर इस शहर में तो बहुत सारे नाइट क्लब ऐसे होंगे जहाँ पर डांस प्रोग्राम होता होगा, अब ये मोहिनी किस क्लब में डांस करती होगी ये पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। नहीं श्रीवास्तव, मेरी डिक्शनरी में नामुमकिन वर्ड नहीं श्रीवास्तव। पता लगाओ शहर में जितने नाइट क्लब्स हैं, फोन करके पता लगाओ कि मोहिनी नाम की डांसर किस नाइट क्लब में डांस करती है। ठीक है सर।
डेड। इसमें थोड़ी जान बाकी है, इसे हॉस्पिटल लेके जाने का बंदोबस्त करो। ओके क्विक। चॉकलेट में किसी ने जहर मिला दिया है। चॉकलेट को लैब में भेजो श्रीवास्तव टेस्ट के लिए, और वो चॉकलेट भी जो उसके हाथ में है। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, रजत कपूर। जी हाँ, मेरा ही नाम रजत कपूर है। दिस इज योर कार्ड। जी हाँ, ये कार्ड तो मेरा ही इंस्पेक्टर, लेकिन मैंने उस लड़की को कोई चॉकलेट नहीं दिया। तो फिर ये कार्ड वहां पर कैसे पहुंच गया मिस्टर रजत कपूर? देखिए, जब मैं परसों मोहिनी से मिलने के लिए गया था तो मैंने उसे अपना ये विजिटिंग कार्ड दिया था। हो सकता है कि किसी ने उस पर विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टाइप करवा के भिजवा दिया। आप हमें ये बताएंगे मिस्टर कपूर कि आप मोहिनी से मिलने क्यों गए थे? एक्चुअली बात यह है इंस्पेक्टर के, आपने रश्मि आहूजा का नाम तो सुना ही होगा। ये आहूजा अप्लायंसेस की मालकिन का जिक्र कर रहे हैं आप? जी हाँ, वो मेरे बचपन की दोस्त है। उसका पति अनिल आहूजा उस मोहिनी के चक्कर में फंसा हुआ है। मोहिनी और उस क्लब के मालिक जगतानी ने दोनों ने मिलकर अनिल को कोई 60-70 लाख का चूना लगा दिया। अनिल ने अपनी पत्नी रश्मि के प्रॉपर्टी के पेपर्स जगतानी के पास गिरवी रखकर वो 60-70 लाख का कर्जा लिया और वो सारे पैसे चूहे में हार गया। और अब जगतानी ने उसे वो कर्जा लौटाने के लिए सिर्फ एक दिन की मोहलत दी है। इंस्पेक्टर, मैंने अनिल को बहुत समझाने की कोशिश की कि मोहिनी और जगदानी दोनों मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं, और अगर उसने अपनी आदतें नहीं बदली तो मोहिनी मेरे कहने पर सब कुछ उसकी पत्नी रश्मि को बता देगी। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ होता, किसी ने मोहिनी को जहरीला चॉकलेट दे दिया। मिस्टर कपूर, आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि अनिल आहूजा ने ही? क्या ऐसा नहीं हो सकता? मिस्टर कपूर, ये जो कार्ड है, इंस्पेक्टर मैंने आपको बताया कि रश्मि का पति अनिल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। हो सकता है कि मुझे फंसाने के लिए उसने ये मेरा कार्ड यूज किया। ये भी तो हो सकता है कि आप उसे पसंद ना करते हो और आपने हमें ये मनगढ़ंत कहानी सुनाई हो। देखिए, आप ये सब कुछ मोहिनी से पूछ सकते हैं, उस क्लब के मालिक जगतानी से पूछ सकते हैं जिसके पास आज तक अनिल आहूजा ने रश्मि के प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी रखे हुए। इंस्पेक्टर भारत, What? All right, मैं आता हूं। मिस्टर कपूर, आप जगतानी से पूछताछ करना शायद मुमकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर जगतानी का उन्हीं के ऑफिस में किसी ने खून कर दिया है।
श्रीवास्तव कोई भारी सी चीज यहां पर रखी हुई थी या किसी ने फेंकी, ये निशान जो है बिल्कुल किसी रिवॉल्वर की तरह लग रहा है श्रीवास्तव। सर इसका मतलब ये हुआ कि कातिल ने रिवॉल्वर यहां पर ही पाई और उसी रिवॉल्वर से इसे शूट कर दिया। ये शूट करके रिवॉल्वर यहां पर फेंक दी? पॉसिबल है, लेकिन अगर ऐसा है तो रिवॉल्वर गई तो गई कहां? तब अगर रजत कपूर सच बोल रहा था तो अनिल आहूजा के प्रॉपर्टी के पेपर्स यहां होने चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर्टी के पेपर्स कहीं नजर नहीं आ रहे श्रीवास्तव। इसका मतलब ये हुआ कि ये कत्ल उन्हीं कागजात के लिए हुआ है सर। मे बी, लेकिन श्रीवास्तव हमें सबसे पहले अनिल आहूजा को चेक करना पड़ेगा। जी नहीं, अनिल तो कल रात से घर पे नहीं आए। वैसे इंस्पेक्टर साहब बात क्या है? एक कत्ल के सिलसिले में उनसे कुछ पूछताछ करनी है। कत्ल? किसका कत्ल? गोल्डन डाइट क्लब के मालिक जगतारी सेठ का कत्ल। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वो था ही इसी के काबिल की कोई उसे गोली मारते, और वैसे भी उसके बहुत सारे दुश्मन बन चुके थे, कोई ना कोई तो उसे मारता ही। ओ, तो किसी ने उनका खून नहीं किया तो आपने उन दोनों का सफाया कर दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूं मिस्टर अनिल आहूजा जी कि जब आपको पता चला कि वो दोनों आपको चीट कर रहे हैं तो आपने मोहिनी को जहर और जगतानी को गोली मार दी। दिस इज कॉल्ड द मर्डर वेपन। इंस्पेक्टर साहब, मैंने जगतानी सेठ का खून नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर अनिल आहूजा। बैलिस्टिक रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि खून आपके रिवॉल्वर से ही हुआ है, और खून के बाद ये रिवॉल्वर आपके पास ही पाई गई। मैं उसका खून क्यों करूंगा? प्रॉपर्टी के पेपर्स के लिए मिस्टर अनिल आहूजा, एज सिंपल एज दैट। आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स जगतानी के पास गिरवी पड़े हुए थे और उसकी आखिरी तारीख कल थी, और मिस्टर जगतानी के यहां से वो पेपर्स हमें बरामद नहीं हुए। इंस्पेक्टर साहब, अगर वो प्रॉपर्टी के पेपर्स मैंने उससे हासिल किए होते तो वो पेपर्स मेरे पास होते। तो फिर ये गन तुम्हारे पास कहां से आई? मैं कुछ मोहलत मांगने के लिए जगतानी सेठ के ऑफिस गया। वहां पहुंचते ही मैंने उसकी लाश वहां पर देखी, लेकिन कुर्सी पर मेरी गन पड़ी हुई थी। मैंने फौरन ही अपनी गन ले ली और अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स को खोजने की कोशिश की। वो पेपर्स मुझे तो नहीं मिले। मेरे प्रॉपर्टी की पेपर्स गायब होना, मेरी वो गन उस कुर्सी पर, जरूर कोई मुझे फंसा रहा है।
और उसी शख्स ने मोहिनी को चॉकलेट में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की होगी इंस्पेक्टर साहब। अब सवाल ये उठता है मिस्टर अनिल आहूजा कि ऐसे किसी शख्स के पास आपकी रिवॉल्वर पहुंची कैसे? ये तो मुझे भी हैरत है। वैसे ऐसा एक शख्स है मेरी नजर में जिसके पास मोहिनी और जगत्यानी को मारने का मकसद है, जो मोहिनी को जहर भी दे सकता है और जगत्यानी को गोली भी मार सकता है, और जिसके पास बड़ी आसानी से आपकी रिवॉल्वर पहुंच भी सकती है। कौन? कौन है वो? ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? मेरे घर में तलाशी? रिलैक्स, बहुत जल्द पता चल जाएगा। सर ये रहे प्रॉपर्टी के कागजात, ये मिसेज आहूजा के कबाट से हमें मिले हैं। मेरी प्रॉपर्टी के कागजात मेरे कबाट से नहीं मिलेंगे तो और कहां से मिलेंगे? हम आपसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं मिसेज अनिल आहूजा कि ये प्रॉपर्टी के पेपर्स आपके यहां कैसे पहुंचे, जबकि ये पेपर्स आपके हस्बैंड ने जगत्यानी के पास गिरवी रखे हुए थे। क्या मतलब है आपका? मतलब ये मिसेज आहूजा कि उस दिन मिस्टर रजत कपूर जब आपके पति के पास आए उनको समझाने के लिए, तो आपने उनकी सारी बातें बहुत गौर से सुनी। उसके बाद आपने मोहिनी को वो जहरीली चॉकलेट भिजवाई और इन पेपर्स को हासिल करने के लिए आपने अपने पति के रिवॉल्वर से जगतानी सेठ को शूट कर दिया। मगर अफसोस कि आप गलती से अपनी रिवॉल्वर वहीं भूल आई। ये मत भूलिए कि मेरा नाम मिसेस रश्मि आहूजा है। 70 लाख की गिरवी पड़ी प्रॉपर्टी को छुड़वाने के लिए मैं किसी का मर्डर क्यों करूंगी? क्या ना ये चाहती हैं आप? देखिए इंस्पेक्टर, ये सच है इंस्पेक्टर कि मैं वहां गई थी ये प्रॉपर्टी के कागजात लेने, मगर रिवॉल्वर लेकर नहीं बल्कि 80 लाख रुपए कैश लेकर। ये रहे आपके रुपए जगतानी सेठ, 70 लाख कर्जे के और 10 लाख ब्याज के। वाह, पेपर्स। ऑफकोर्स पेपर्स, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स, ऑल योर्स मैडम। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप बैंक से भी फाइंड आउट करवा सकते हैं कि मैंने ये रकम निकलवाई थी या नहीं। 80 लाख तो बहुत ऊंची बात है मिसेज आहूजा, जगतानी के ऑफिस से हमें 80 रुपए भी बरामद नहीं हुए। श्रीवास्तव, अगर ये सच बोल रही हैं तो हमें मौका वारदात पे जाके जगत्यानी के ऑफिस की एक बार फिर से तलाशी लेनी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जिस जहाँ पर इतनी बड़ी रकम को छुपाया जा सके। श्रीवास्तव, हमारे लिए वो रुपए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं फिलहाल जितना कि कोई सुराग मिलना। Thank you.
जहर देने वाला और जगतानी को गोली मारने वाला एक ही शख्स है श्रीवास्तव। अब बाकी इसके बारे में हमें सिर्फ मोहिनी बता सकती है। अब आपकी तबीयत कैसी है मिस मोहिनी? मच बेटर। मैं आपसे थोड़े से सवाल करूंगा। इट्स रूटीन पुलिस जॉब, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा इफ यू डोंट माइंड। श्योर। थैंक यू। कल एक्चुअली हुआ क्या था मिस मोहिनी, जरा तफसील से बताएंगे आप? कल शाम को एक बच्चे ने मुझे चॉकलेट का गिफ्ट पैक दिया था मिस्टर रजत की तरफ से। बेड पे पहुंचने के बाद मैंने किताब पढ़ते पढ़ते चॉकलेट के 3-4 पीसेस खाए और मेरी हालत खराब होने लगी। फिर मैंने घबरा कर आपको फोन किया। और बस मैं बेहोश थी। मिस मोहिनी, ऐसे वक्तों में तो इंसान आमतौर पे डॉक्टर को फोन करता है, आपने पुलिस को क्यों फोन कर दिया? उस वक्त घबराहट में मुझे जो सोचा मैंने वही किया, आप तो समझ सकते हैं। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी मिस मोहिनी कि जिस वक्त आप मुझसे फोन पे बात कर रही थी, जिस वक्त उसी वक्त जगत्यानी का किसी ने खून कर दिया। What? जी हाँ। और मुझे पूरा यकीन है मिस मोहिनी कि ये दोनों काम करने वाला एक ही शख्स है, जिसे इस बात का इल्म था कि आपको चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं और जिसकी पांच अनिल आहूजा की गन तक थी और जिसके पास रजत कपूर के विजिटिंग कार्ड्स भी थे। कौन हो सकता है सर शख्स? अपने बारे में क्या ख्याल है आपका मिस मोहिनी? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? जी हाँ, ये सारी बातें आप पर भी तो फिट होती हैं। इंस्पेक्टर साहब, अभी आपने ही तो बताया जिस वक्त जगतानी का कत्ल हुआ उस वक्त मैं अपने कमरे में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, और अगर आप वक्त पर नहीं आते तो शायद मैं भी। अरे हाँ, मुझे याद आया, आप जब आपने फोन किया तब आप प्रॉब्लम में थी, आप फोन करते करते बीच में बेहोश हो गई और वो रिसीवर आपके हाथ से छूट के गिर गया। राइट। फिर वो रिसीवर उठा के आपने टेलीफोन पे कब रखा मिस मोहिनी? जी, क्योंकि जब हम आपके घर पे पहुंचे तो वो रिसीवर जो है वो टेलीफोन के ऊपर पड़ा हुआ था। हो सकता है रिसीवर कैडल पर ही गिर गया हो। हाँ हाँ, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान चॉकलेट के साथ साथ रैपर भी खा जाए? क्या मतलब? मतलब ये मिस मोहिनी कि आपके घर की हमने बड़ी बारीकी से तलाशी ली, तो तलाशी में हमें चॉकलेट के रैपर का ये टुकड़ा मिला जो चॉकलेट के साथ था, लेकिन इस चॉकलेट के रैपर का बाकी का टुकड़ा कहां चला गया मिस मोहिनी? वो कहीं उड़ गया होगा। हाँ, वो उड़ गया होगा और उड़ते 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 कई मील दूर तक जगत्यानी के ऑफिस के कचरे के डिब्बे में जा गिरा। यह है वो बाकी का टुकड़ा जो हमें
जगत्यानी के ऑफिस के कचरे के डिब्बे से बरामद हुआ है। कुछ कहना बाकी है मिस मोहिनी? प्लान आपने बड़ा अच्छा बनाया था मिस मोहिनी, यह साबित करने की कोशिश की कि जब जगत्यानी का खून हुआ तब तो मैं तो अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। जहर का कंटेंट इतना थोड़ा सा लिया जिससे आप बीमार हो, तबीयत खराब हो जाए आपकी, लेकिन आप मरे ना और किसी को आप पे शक भी ना हो। लेकिन हाय रे किस्मत, चॉकलेट के रैपर के इस छोटे से टुकड़े ने आपके सारे के सारे प्लान को चौपट करके रख दिया। चलिए अब हकीकत स्वीकार करें और मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। Come on, speak up. वो कमीना था ही इसी काबिल। उसने मेरा हर तरीके से फायदा उठाया और अब मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंकना चाहता था। कहता था कि अब मुझ में वो अट्रैक्शन नहीं रहा कि मैं कस्टमर्स को अपने जाल में फंसा सकूं। वो किसी नई लड़की को लाना चाहता था और जब जब मैंने उससे अपना हिस्सा मांगा तो हिस्सा? कैसा हिस्सा? बेबी ये तो वो रुपया है जो अनिल ने हमसे कर्ज के तौर पे लिया था ना बड़ी। नहीं जगतानी सेठ, ये वो रुपया है जो तुमने अनिल को जुए में बेवकूफ बना कर लूटा था और वो भी मेरी वजह से। अरे पर बेबी, हमने तुमको कस्टमर्स को जुआ खिलवाने के लिए कमीशन दिया था कि नहीं? कमीशन नहीं सेठ, मुझे हिस्सा चाहिए, हिस्सा, और वो भी आधा, पूरे 40 लाख। क्या कहा तूने? 40 लाख? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बेबी? दिमाग तो मेरा उसी दिन खराब हो गया था सेठ, जब तूने मुझसे कहा था कि अब मेरा जादू खत्म हो गया है और मुझ में पहले जैसी बात नहीं रही और तू मेरी जगह किसी और डांसर को लाने वाला है। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि अब ये सारा पैसा मैं तुझे अकेले हड़पने नहीं दूंगी। हा? अच्छा बेबी, क्या करोगी तुम? बोलो बोलो क्या करोगी? अगर आधा हिस्सा नहीं मिला तो पूरा हिस्सा ले लूंगी। तुम मेरा खून करोगी? यस। अभी मैं पुलिस को फोन करता हूं। अभी जगताने के ऑफिस से ही किया था और फोन पर सिर्फ अपना नाम बताया, एड्रेस नहीं, ताकि एड्रेस ढूंढने में जो आपको वक्त लगे उस बीच में अपने घर पहुंच जाऊं। बाकी की तैयारी मैंने पहले से ही कर रखी थी। अनिल रात रात भर मेरे साथ रहता था और शराब के नशे में मैंने उसकी रिवाल्वर कब चुरा ली उसे पता ही नहीं चला। जगतानी की तरह अनिल ने भी मेरा बहुत नाजायज फायदा उठाया, इसलिए अनिल को फंसाने के लिए मैंने उसी की रिवाल्वर से
जगतानी का खून कर दिया और जानबूझकर रिवॉल्वर लाश के पास कुर्सी पर फेंक दी। रजत कपूर का कार्ड मैंने जानबूझकर यूज किया ताकि ये मामला और उलझ जाए, लेकिन लेकिन मेरी छोटी सी गलती ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मिस मोहिनी, धोखे और फरेब से जो खेल शुरू होता है उसका अंजाम अक्सर मौत और जेल की सलाखें ही होता है। मौत जगत्यानी के हिस्से में आ गई और जेल की सलाखें आपके हिस्से में।